भाजपा ने नवनीत बिट्टू को पंजाब से टीम मोदी में लेकर पंजाब में जाट सिख चेहरे को आगे लाकर सूबे की भावी राजनीति की तस्वीर बनानी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लुधियाना की रैली में अमित शाह ने कहा था कि आप लोग नवनीत सिंह बिट्टू को वोट देकर जिताइए, मैं जल्द ही बिट्टू को बड़ा आदमी बनाऊंगा। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव है और भाजपा अब पंजाब की सत्ता की तरफ देख रही है। खुद नवनीत सिंह बिट्टू ने साफ कर दिया है कि उसका मिशन 2027 में पंजाब में भाजपा की सरकार लेकर आना है। दरअसल भाजपा की विचारधारा और मुद्दों के बीच बिट्टू ही एक ऐसा चेहरा है जो बिल्कुल फिट बैठता है। राष्ट्रवादी विचारधारा से लेकर पंजाब में कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ मुखर होने में बिट्टू अव्वल है और पंजाब में भाजपा बिट्टू के जरिए उस विचारधारा को जमीनी स्तर पर पैदा करने की योजना में है। बिट्टू ने कहा भी है कि देश का कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो अमृतपाल का, चाहे वो पाकिस्तान का हो, क्योंकि हमारी बॉर्डर स्टेट है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, मैं ही था अकेला आदमी जिसने इन मुद्दों को उठाया। पंजाब के भारी संख्या में लोग आज भी शहीद बेअंत सिंह की कुर्बानी को दिलों में संजोकर बैठे हैं, जिन्होंने पंजाब से आतंकवाद को खत्म किया। पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने पर ही आतंकियों ने उनको सचिवालय में बम से उड़ा दिया था। पंजाब के लोग आज भी बिट्टू में दिवंगत मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की तस्वीर को देखते हैं। दरअसल पंजाब में भाजपा ने जितने भी जट सिख चेहरों पर अब तक दाव खेला है, वो भाजपा की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। पंजाब में मजबूत जट सिख चेहरे कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल चुप होकर बैठ गए। उनकी पत्नी परनीत कौर अपनी सीट नहीं बचा पाई। उनकी बेटी बीबी जयेंद्र कौर भाजपा की महिला की प्रधान हैं, लेकिन वो संगठन में सक्रिय नहीं हैं। इसके अलावा राणा गुरमीत सोनी, केवल ढिल्लो, फतेहगंज बाजवा, पूर्व राजनायक तरनजीत सिंह सिद्धू, भटिंडा से हारने वाली पूर्व IAS अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू पंजाब का चेहरा नहीं बन पाए हैं। भाजपा पंजाब में नवनीत बिट्टू में एक बड़ा जाट सिख चेहरा देख रही है, जो 2027 में पंजाब में भाजपा को सत्तासीन करवा सके। मार्च 2021 में नवनीत सिंह बिट्टू को कुछ समय के लिए लोकसभा में कांग्रेस का नेता नियुक्त किया गया था और मौजूदा कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। नवनीत सिंह बिट्टू को 2023 में व्हाट्सएप कॉल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। बिट्टू को राजनीति विरासत मिली है। उनके परिवार में तेज प्रकाश सिंह पंजाब के मंत्री रह चुके हैं, उनका भाई कोटली विधायक रह चुका है, उनकी बुआ गुरकमल कौर पंजाब की कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। लिहाजा पंजाब में भाजपा बिट्टू के जरिए दाव खेलने की तैयारी में है। पंजाब में 2014 से अरुण जेटली केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन भाजपा की हवा पंजाब में नहीं बना पाए। इसके अलावा विजय संपला भी होशियारपुर से जीते थे और केंद्रीय राज्य मंत्री बने, लेकिन फगवाड़ा में विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करवा बैठे। 2019 में पंजाब से हरदीप पुरी मंत्री बने, लेकिन उन्होंने पंजाब में आना ही मुनासिब नहीं समझा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ओम प्रकाश बने, लेकिन उनकी पत्नी होशियारपुर से लोकसभा चुनाव हार गईं। लिहाजा पंजाब में अब भाजपा का फोकस जाट सिख चेहरे पर है। वहीं भाजपा संगठन की कमान हिंदू चेहरे पर ही है। पंजाब में इतिहास इस बात का साक्षी भी है कि सूबे में जाट सिख ही सत्ता में आते हैं। भगवंत मान भी जाट हैं, कैप्टन व बादल भी जाट हैं। लिहाजा भाजपा एक ऐसे जाट चेहरे की तलाश में थी जो इन बड़े जाट चेहरों का मुकाबला कर सके। पंजाब से अरुण जेटली चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको 2014 में केंद्र में मंत्री बनाया गया। अंबिका सोनी चुनाव हार गई थी, लेकिन उनको राज्यसभा भेजकर मंत्री बनाया गया। वहीं हरदीप पुरी चुनाव हार गए थे, उनको मंत्री बनाया गया। अब बिट्टू भी चुनाव हार गए हैं और उनको 6 माह के भीतर राज्यसभा भेजकर सदस्य बनाया जाएगा ताकि मंत्री पद बरकरार रह सके।